साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में किसान विकास पत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। किसान विकास पत्र क्या है, किस प्रकार का खाता है, ब्याज की दर क्या है, कितनी धनराशि कम से कम जमा की जा सकती है, कितने खाते खोल सकते हैं तथा कितने समय में धनराशि दुगनी हो जाती है, क्या समय से पहले भुगतान लिया जा सकता है, क्या केवीपी में नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है, सभी जानकारियां इस वीडियो में आगे दिखाया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें। किसान विकास पत्र की शुरुआत 1988 में की गई थी। उस समय 5.5 वर्ष में धनराशि दुगनी हो जाती थी। यह पोस्ट ऑफिस की लोकप्रिय जमा योजना है। कोई भी व्यक्ति इस योजना में धनराशि जमा कर सकता है। इस योजना में जमा धनराशि 2.5 वर्ष से पूर्व तो नहीं निकाला जा सकता है, परंतु बहुत आवश्यकता होने पर बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। 2 वर्ष 6 महीने बाद कभी भी आवश्यकता होने पर इस योजना को ब्याज सहित बंद किया जा सकता है, यानी 2 वर्ष 6 माह के बाद से परिपक्वता तक प्रत्येक छमाही में बढ़े ब्याज सहित खाते को बंद किया जा सकता है। 2 वर्ष 6 माह के बाद खाता घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। जब चाहे खाते को बढ़े ब्याज सहित बंद कर सकते हैं, अन्यथा परिपक्वता पर धनराशि दुगनी हो जाती है। खाते पर ब्याज की दर 7.5% है। किसान विकास पत्र में प्रत्येक महीने धनराशि जमा की जा सकती है तथा परिपक्वता पर धनराशि दुगनी प्राप्त की जा सकती है। पोस्ट ऑफिस नेट बैंकिंग के द्वारा अपने डाकघर बचत बैंक खाते में नेट बैंकिंग सुविधा प्राप्त कर घर से ही प्रत्येक माह या कभी भी किसान विकास पत्र में जमा किया जा सकता है तथा घर से नेट बैंकिंग सुविधा से किसान विकास पत्र बंद भी किया जा सकता है। जमा एक खाते में न्यूनतम 1,000 रुपए और 100 रुपए के गुणकों में कितनी भी राशि जमा की जा सकती है। किसी खाते में या खाताधारक द्वारा रखे गए खातों में जमा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति कितने भी खाते खोल सकता है। परिपक्वता पर भुगतान खाते में जमा राशि परिपक्वता पर दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान में खाते की परिपक्वता अवधि 9 वर्ष और 7 महीने है, जो कि समय समय पर ब्याज दर घटने बढ़ने से बदलती रहती है। इस योजना के तहत जमा की परिपक्वता अवधि खाता खोलने के समय लागू ब्याज दर पर निर्धारित की जाएगी। खाते को परिपक्वता से पहले खाताधारक द्वारा समय से पहले बंद किया जा सकता है। यदि खाता खोलने की तारीख से 2 साल और 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी समय खाता बंद कर दिया जाता है तो ब्याज सहित राशि देय होगी। आगे दी गई तालिका में 1,00,000 रुपए के खाते को समय से पहले बंद होने वाली धनराशि दिखा रही है। खाते की तारीख से उसके समय पूर्व बंद होने की तारीख तक देय राशि ब्याज सहित 2.5 वर्ष लेकिन 3 वर्ष से कम 1,17,051 रुपए, 3 वर्ष लेकिन 3.5 वर्ष से कम 1,20,795 रुपए, 3.5 वर्ष लेकिन 4 वर्ष से कम 1,24,659 रुपए, 4 वर्ष लेकिन 4.5 वर्ष से कम 1,28,647 रुपए, 4.5 वर्ष लेकिन 5 वर्ष से कम 1,32,762 रुपए, 5 वर्ष लेकिन 5.5 वर्ष से कम 1,37,009 रुपए,
5.5 वर्ष लेकिन 6 वर्ष से कम 1,41,391 रुपए, 6 साल लेकिन 6.5 साल से कम 1,45,914 रुपए, 6.5 वर्ष लेकिन 7 वर्ष से कम 1,50,582 रुपए, 7 वर्ष लेकिन 7.5 वर्ष से कम 1,55,399 रुपए, 7.5 वर्ष लेकिन 8 वर्ष से कम 1,60,370 रुपए, 8 साल लेकिन 8.5 साल से कम 1,65,500 रुपए, 8.5 साल लेकिन 9 साल से कम 1,70,794 रुपए, 9 वर्ष लेकिन 9.5 साल से कम 1,76,257 रुपए, 9.5 वर्ष लेकिन परिपक्वता से पहले 1,81,895 रुपए, 9 वर्ष 7 साल में परिपक्वता 2 लाख रुपए। इस प्रकार यदि समय से पूर्व खाते को बंद नहीं किया जाता तो 9 वर्ष 7 माह में धनराशि दुगनी हो जाती है। किसान विकास पत्र को बैंक में बंधक कर लोन प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको पोस्ट ऑफिस बचत बैंक संबंधी अपडेट जानकारी, भारतीय मधुमक्खी पालन अपिस सेराना इंडिका की जानकारी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की संपूर्ण जानकारी तथा सोलर एनर्जी सिस्टम से संबंधित सभी जानकारियां इस चैनल पर दी जाती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। साथियों, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।